है संडे, तो आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ एक साथ दो चीजें। ये देखिए मेरे सामने ये पड़ी है अरबी, इसको मैंने अच्छे से धो धो के काट लिया, तो पीसेस जो हैं बिल्कुल इक्वल हैं। और साथ में मैंने ये काटे हैं चार हरी मिर्चे बिल्कुल बारीक बारीक, और साथ में है एक इंच अदरक का टुकड़ा। तो अब हम अपनी गैस को ऑन कर लेते हैं फुल पे, और ये मैंने डाल दिया है इसमें सरसों का तेल। अब ये देखिए, ये मैंने मूंगी की दाल जो है कम से कम एक घंटा पहले भिगो के रखी हुई थी, तो आप देखो मैंने भिगोने से पहले इसको 5-6 बार अच्छे से वॉश कर ली थी, ताकि जो इसका ऊपर का जो वाइट वाइट जो है सब निकल जाए, पानी जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। तो एक घंटा भिगोने के बाद इसको मैंने जो है पानी को ये निखार लेना है। ये दाल हमारी कम से कम 6 मुट्ठी दाल है। अब हमने ये दाल कैसे बनानी है, बिल्कुल ऐसे बनानी है जैसे हम कचौड़ियों के साथ या पूड़ी के साथ खाते हैं। तो हमने दूसरी गैस को भी ऑन कर लेना है, और इस पर हमने जो है पानी जो है बॉईल करने के लिए रख देना है। तो ये जो दाल है हमने खुले में बनानी है, कोई इसको कुकर में सीटी नहीं दिवानी है। तो ये मेरी 6 मुट्ठी दाल थी, और इसी हिसाब से हमने कम से कम इसमें 1 लीटर जो है पानी डाला है। तो पानी के बॉईल होने का इंतजार करते हैं, और इसमें पानी में हम क्या क्या डालेंगे। ये है हमारे पास हींग, कम से कम जो है आधा छोटा चम्मच जो है हमने हींग का पानी में डालना है। ही हमने आधा चम्मच जो है हल्दी का डालना है, और नमक जो है दाल के हिसाब से जितना स्वादानुसार होता है ये डालना है। ये मैंने सेंधा नमक यूज़ किया है, और 1 चम्मच नमक इसको डाल दिया है। अब हमने पानी के बॉयल होने का इंतजार करना है। दूसरी जगह जो है हमारा ये जो तेल है ये हमारा गर्म हो गया है, सरसों का तेल यूज़ किया है, आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। अब हमने इसमें जो हमारी अरबी हमने छील के काट रखी थी इसको जो है हमने इसके अंदर डालना है, और इसको हमने जो है शैलो फ्राई करना है, शैलो फ्राई तेल। तो अरबी को देखिए धीरे धीरे ये फ्राई हो रही है, साथ साथ इसको हिलाते चलेंगे जब तक कि अरबी अच्छे से गल नहीं जाती है, तब तक इसको हमने ऐसे ही फुल आँच पर पकाते रहना है, और इसको कम से कम 7 या 8 मिनट जो है लग जाएंगे पूरी। तो देखिए बिल्कुल डीप फ्राई भी नहीं है, हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं। शैलो फ्राई करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो सब्जी है, जैसे सूखी सब्जी है तो बहुत ज़्यादा सूखी सूखी नहीं बनती है, शैलो फ्राई करने के बाद भी हमारी जो अरबी है वो बिल्कुल सॉफ्ट पक भी जाएगी और सॉफ्ट भी रह जाएगी। हमारा ये जो दाल का पानी हमने रखा है ये भी बस उबलने ही वाला है। ये देखिए बड़े अच्छे से उबाल आ गया था, और इसके अंदर हमने जो दाल है वो अच्छे से मिक्स कर लेनी है, और हमने अपने जो गैस है इसको हमने फुल पे ही रखना है। दोनों साइड जो हमारी गैस है वो फुल पे है, हमने गैस को सिम नहीं करना है, और फुल पे ही हमने जो है ये दोनों चीज़ें बनानी है। तो आज हमारे जो बच्चों की फरमाइश थी कि हमने मसालेदार अरबी खानी है, और साथ में हमने खानी है मूंगी धुली की दाल, बिल्कुल ऐसे जैसे हम बाजार में कचौड़ी के साथ हमें मिलती है, गाढ़ी गाढ़ी एकदम से थिक थिक हमने दाल खानी है, और अच्छे से गली हुई। तो उसी हिसाब से ही मैं बना रही हूँ। तो अभी 2-3 उबाल आने तक हमने गैस को फुल रखा हुआ है। जब ऊपर आप देख रहे हो कि हल्की हल्की ये झाग आ रही है, तो ये झाग जो होती है ये हमारी दाल के टेस्ट को थोड़ा सा बिटर सा कर देती है। तो इसलिए हमने क्या करना है कि ये जो ऊपर की झाग है इसको हमने अच्छे से जो है उतार लेना है, ताकि हमारी दाल का जो टेस्ट है बिल्कुल ही ओरिजिनल आए। तो ये देखिए दाल में अच्छे से उबाला आ गया, और आपको ये जो झाग है ये भी नज़र आ रही होगी। तो इस झाग को जो है हमने इस पानी के ऊपर से जो है उतार लेना है। तो ये हमने झाग जो है उतार लेनी है, पानी जो है ऊपर का बिल्कुल हमारा साफ सुथरा रह जाना चाहिए, आग पूरी जो है ख़त्म हो जाती है। तो इसके अंदर हमने कम से कम 1 कड़छी जो है देसी घी की दाल लेनी है। तो ये हमारा देखिए 1 सर्विंग स्पून जो है हमने बिल्कुल जमा हुआ देसी घी डाला है, तो इसका मतलब ये है कि ये कड़छी भरकर देसी घी है, और बार ऐसे हिलाना है, और उसके बाद इसको सिम पर छोड़ देना है, और ये तब तक हमने पकाना है जब तक कि ये हमारी दाल जो है पानी के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो इसको अब हम 10-15 मिनट के लिए भूल जाते हैं, और आते हैं अपनी अरबी की सब्जी की तरफ। तो अरबी की सब्जी भी हमारी कम से कम आधी जो है पक कर तैयार हो गई है, इसको हमने 2-3 बार हिलाना है।
और उसके बाद जो है इसको छोड़ देना है। कि मेरे पास जो एक इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का काटा था और चार हरी मिर्च काटी, तो इसको हमने जो है दाल के अंदर जो है मिक्स कर देना है। दाल के अंदर क्यों मिक्स करना है, क्योंकि हमने दाल में तड़का नहीं लगाना है, दाल में तड़का बिल्कुल नहीं लगाना है। बगैर तड़के के ही ये दाल बनेगी, लेकिन फिर भी हमारी जो दाल है बहुत ही ज्यादा चटपटी और करारी बनेगी। तो ये जो हरी मिर्च और ये अदरक है ये हमारी दाल को काफी अच्छा सा जो है टेस्ट दे देंगे। तो देखिए हमारी अरबी की सब्जी पक रही है, इसके लिए भी हमने तीन हरी मिर्च छोटी छोटी काटनी है और एक टुकड़ा जो है अदरक का। ये देखिए ये मेरे साथ बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, इतना बारीक काटना। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इसके जो बीज हैं वो अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मिर्ची के बीज होते हैं इसी की वजह से ही मिर्ची में जो है तीखापन होता है। वो देख बारीजिए अरबी की सब्जी की तरफ। अब अरबी को हमने चेक करना है कि क्या ये अच्छे से जो है पक चुकी है कि नहीं। तो हमने एक टुकड़ा जो है हमने इसको अलग से निकाल लेना है और हाथ के साथ हमने देखिए क्रश करके देख लिया। तो हमारी जो अरबी है ऑलमोस्ट 99% जो है वो पक चुकी है। तो इस अरबी को हमने वापस डाल लेना है। अब आप देखिए कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा तेल है, आप देख रहे हो कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल नजर आएगा, हमने इस एक्स्ट्रा तेल को जो है कढ़ाई से निकाल लेना है। ऑयल जो है एक्स्ट्रा निकाल लिया था। और अब ये हमने सबसे पहले जो है ये साबुत धनिया है, ये देखिए साबुत धनिया, इसको हमने हाथों से जो है ऐसे अच्छे से इसकी जो क्रंच है उसको थोड़ा कम करना है। ये सबसे पहले हमने साबुत धनिया डालना है जो कि हमारा इस तेल में अच्छे से पक जाए। आंच जो है हमारी तेज है। और उसके बाद ऐसे ही आधा चम्मच जो है हमने जीरा डालना है। ये देखिए हमने तेल के अंदर डाला है ना कि हमने अरबी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने आधे चम्मच जितना जो है अजवाइन डाली है, ठीक है। उसके बाद एक चम्मच जो है हमने कम से कम पिसा हुआ, हमने साबुत धनिया भी डाला है और पिसा हुआ धनिया डालना है। और उसके बाद हमने डालना है नमक। आप जो जो मैं मसाला डाल रही हूँ वो आप नोट करते जाइए। नमक मिर्च हल्दी तो सबके साथ ही होता है, लेकिन उसके अलावा हमने क्या डालना है, भुना हुआ सूखा धनिया पिसा हुआ और साबुत, और सबसे ज्यादा जो है इसमें अजवाइन की जरूरत होती है। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो तेल निकालने के बाद देखिए जो हमारी सब्जी है वो काफी ड्राई हो गई है और जो मसाले हैं अच्छे से जो है, जो थोड़ा बहुत तेल बचा था उसकी वजह से पूरी सब्जी के ऊपर जो है कवर हो गए हैं। आज हमने क्या करना है, जो हमने हरी मिर्च और अदरक काटी थी वो इसके अंदर जो है हमने ऐड कर देनी है। तो लीजिए सारे मसाले जितने भी थे, हरे मसाले थे या ड्राई मसाले थे या साबुत मसाले थे, सारे के सारे जो है हमने इसके अंदर डाल दी हैं। अब हमारी सब्जी जो है थोड़ी सी ड्राई फील हो रही है, तो जो हमने तेल निकाल के रखा था उसमें से हमने देखिए एक कड़छी तेल लेना है और इसके ऊपर डाल देना है। सॉरी, हमने पकाना है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2-3 चम्मच पानी के, कढ़ाई में ना लगा रहे सारे के सारे मसाले जो है कवर कर लेंगे। तो ये हमारी सब्जी जो है ऑलमोस्ट जो है तैयार है। अब हमने इसके मसाले को ठंडा करने के लिए सिर्फ 10 सेकंड के लिए इसको हमने ढक के रखना है। और सब्जी जो है तो हमने इसलिए ढका है ताकि जो अरबी है हमारी सॉफ्ट भी हो जाए और अच्छे से जो है मुलायम मुलायम पक जाए। अब आते हैं हम इधर दाल की तरफ। क्या करना है, जैसे हम नॉर्मली कड़छी जो है सीधी चलाते हैं, लेकिन अब हमने क्या करना है, कड़छी को उल्टा चलाना है। तो ये देखो हम कड़छी को उल्टा चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं, ताकि जो दाल है अच्छे से मैश हो सके। हमने दाल को जो है मैश करना है और काफी हमने इसको गाढ़ा गाढ़ा जो है बनाना है। दाल भी हमारी कम से कम 80-90% तैयार हो गई है, सिर्फ 2-3 मिनट का जो है देर है। तो ये दाल हमारी तैयार होने के बाद उसका ऊपर से हम कैसे इसको गार्निशिंग करेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। आपके लिए मसालेदार अरबी और उसके बाद ये जो है हमारी कचौड़ी वाली दाल, इसको गार्निशिंग करने के लिए चूंकि ऑलरेडी इसमें तड़का नहीं लगाया लेकिन एक कड़छी भरकर हमने घी डाला था, तो घी डालने की तो जरूरत नहीं है लेकिन मसाले की जरूरत होती है। तो ये हमने डाल दिया है इसमें लाल मिर्च को, ऐसे ऊपर से जो है हम गार्निशिंग कर देंगे। जिसको तीखी लाल मिर्च खानी होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा लाल मिर्च को डाल सकते हैं। और नॉर्मली जो है ये बीच में हमने डाल दिया आमचूर,
तो ये हमारी कचौड़ी वाली दाल तैयार हो गई है और साथ में मसालेदार सूखी अरबी। और उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा और करने के लिए इसमें डाल देते हैं ये मक्खन थोड़ा सा। आप चाहो तो अमूल का बटर डाल सकते हो, चाहो तो ये वाइट बटर डाल सकते हो। तो ये फ्रेंड्स हमारी बहुत ही अच्छी एकदम से दोपहर के लंच के लिए तैयारी हो गई है। तो आप भी आइए और ज्वाइन कीजिए मुझे और इस और साथ आप भी आनंद लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके इस रेसिपी को जो है इंजॉय कीजिए।